Hello, everyone. Hope you all are doing well. So, we are back with our series of CSS criminology. I have compiled these notes by the top academies, which includes NOAA, National Officers Academy, JWT, Jahangir, World Times, and Nair Peer. All these three are very famous academies, and I got 73 marks in CSS 2022. I have attached my DMC as well. So, if you have any queries related to the optional subjects or anything related to criminology, you can mention it in the comment section. I'll try to help you as एक्सपीर की उसको पता होना चाहिए और एथिकल गाइडलाइंस है इन्वेस्टिगेटर्स के लिए स्टॉप एंड फिस्क ऑपरेशन क्या होते हैं अरेस्ट प्रोसीजर्स क्या है और सर्च एंड सीजर ऑपरेशन कैसे कंडक्ट किए जाते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशन को तो बेसिकली स्टॉप और फ्रिस्क ये इस तरह की ऑपरेशन इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर जिसको किसी बंदे पे शक है वो उसको डिटेन कर देता है एक जगह पे उसको रोक लेगा और फिर क्या करेगा उसकी फ्रिस्क फ्रिस्क का मतलब क्या होता है रन हिज हैंड लाइटली ओवर द सस्पेक्ट आउटर गार्मेंट्स टू डिटरमाइन इफ द पर्सन इज कैरिंग अ कंसील्ड वेपन तो ये होते हैं स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशन कि किसी को आप रोकते हैं और उसकी तलाशी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल पुलिस प्रोसीजर है वो होता है स्टॉप एंड फ्री सर्च मतलब इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल माना जाता है कि पुलिस ने कैसे किसी को रोक लिया और फिर उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी तो इसके लिए वारंट भी नहीं चाहिए होता ये पुलिस सिर्फ अपनी सोच या अपने उसके ड्यूटी पे होते हुए किसी वजह से किसी को रोक सकती है ये क्या होता है ये एक लिमिटेड सर्च होती है तब अक्सर पुलिस करती है जब उन्हें लगता है कि वो किसी सस्पिशियस पर्सन को कन्फ्रंट करते हैं उन्हें लगता है कि ये बंदा कुछ सस्पिशियस काम कर रहा है या कोई क्राइम करने जा रहा है तो फिर उसको वो रोकते हैं ये पुलिस की पावर होती है है। जो पुलिस फ्रिस्क जिसको हम कहते हैं कि पैट डाउन अप्रोच है इसमें वो चेक करते हैं किसी बंदे के पास कोई वेपन तो नहीं है और अगर हो तो फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास लाइसेंड वेपन है क्यों वेपन है इसी तरह जो स्टॉप होता है ये डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू एन अरेस्ट जो अरेस्ट है वो बहुत ही एक लेंथी प्रोसीजर होता है जिसमें जो सस्पेक्ट होता है उसको पहले पुलिस स्टेशन लेके आते हैं फिर उसको उसको देखते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कोई पर्चा कटा हुआ है पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट किया है लेकिन जो स्टॉप है उसमें सिर्फ एक बंदे को कोई बंदा कहीं से जा रहा है कोई गाड़ी में जा रहा है लेकिन पुलिस को

तो बेसिकली दीज आर स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशन अब हम डिस्कस करते हैं सर्च एंड सीजर ऑपरेशन हमें पता होना चाहिए सर्च एंड सीजर ऑपरेशन तो सर्च जैसे कि इसका मतलब आपको पता है कि तलाशी तो सर्च एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑफिसर एक बंदे की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उसको सर्च करता है फॉर एग्जाम्पल किसी की कार की जो डिग्गी है उसकी तलाशी ली जाती है कुछ स्पेसिफिक आइटम्स ड्रग्स वेपन अनलाइसेंसड वेपन या अल्कोहल इस तरह की चीजें उसके पास हो अगर उस पर सस्पेक्ट हो और सीजर क्या होता है कि अगर उसको कोई ऐसी अनलाइसेंस चीज ड्रग्स या कोई भी ऐसी मिल गई है, तो फिर वो क्या होगा ऑफिसर उसको अपनी पोजिशन में ले लेगा तो ये होते हैं सर्च एंड सीजर ऑपरेशन सर्च एंड सीजर बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जो बहुत ज्यादा सिविल लॉ लॉ और कॉमन लीगल सिस्टम में पुलिस इसको यूज करती है और उनकी अथॉरिटीज और उनके एजेंट भी यूज करते हैं जब वो किसी क्राइम सस्पेक्ट करते हैं कि कोई क्राइम होने वाला है या किसी वजह से कोई ऐसा मसला है कोई जगह बहुत प्रोटोकॉल लाए गए तो वहां पर वो लोगों का के ऊपर सर्च एंड सीजर परफॉर्म करते हैं इस कुछ कंट्रीज हैं उनमें जो सर्टन प्रोविजन है सर्च एंड सीजर की वो क्या हो होती है, वो उसको फ्रीडम ऑफ राइट से बरक्स जानते हैं और वो उन्होंने इसको, इसको बैन किया हुआ है और वो कहते हैं कि इंटरफेयर करती है राइट टू बी फ्री फ्रॉम अनरीजनेबल सर्चेज एंड सीजर्स इसके अलावा जो ये राइट है ये जनरली बेस्ड होता है ऑन द प्रेमिस दैट एवरी वन इज इंटाइटल टू अ रीजनेबल राइट टू प्राइवेसी तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट ऑफ प्राइवेसी देता है इसको अब हर जगह वायलेट नहीं किया जा सकता लेकिन ऑन सफिशेंट ग्राउंड ऑफ सस्पेक्शन पुलिस ऐसा कर सकती है डिफरेंट लोग इस जो सीजर सर्च एंड सीजर ऑपरेशन है इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो कहते हैं कि वेरी करती है दिस राइट कैन ऑफन रिक्वायर लॉ इन्फोर्समेंट टू ऑबेन अ सर्च वारंट और कंसेंट ऑफ द ओनर बिफोर एंगेजिंग इन द फॉर्म ऑफ सर्च एंड सीजर इसी वजह से फिर काफी दफा जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो एक सर्च वारंट लेके आते हैं कि हमारे पास सर्च वारंट है हमने आपके घर की तलाशी लेनी है या आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है इसके अलावा जो हमारी सर्च वारंट की पूरी फॉर्मेलिटीज हैं वो हमारे आर्टिकल 96 और 2103 जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के वो हमारे सर्च एंड सीजर ऑपरेशन के साथ ही डील करते हैं इसके बाद एक बहुत फेमस टाइप होती है अरेस्ट कि अरेस्ट कैसे किसी को कैसे अरेस्ट किया जाता है बेसिक अरेस्ट होता क्या है अरेस्ट का मतलब होता है किसी को डिटेन करना डोहाइम्स लॉ डिक्शनरी हमें कहती है द डिटेनमेंट और रिस्ट्रेन्ट ऑफ अ पर्सन और थिंग फॉर द ल एक्टिविटी एज रिगार्ड अ पर्सन किसी बंदे को आप डिटेन करते हैं रिस्ट्रेन करते हैं एक बंदे को कि वो जो लीगल राइट्स हैं उनको वॉयलेट ना करें इसी तरह जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी है वो कहती है द टेकिंग और कीपिंग ऑफ अ पर्सन इन कस्टडी बाई लीगल अथॉरिटी स्पेशली इन रिस्पॉन्स टू अल्ज स्पेसिफिकलीफ सिक्योरिंग द एडमिनिट्रेशन ऑफ लॉ तो बेसिकली अरेस्ट कब किया जाता है जब हम किसी ऐसे बंदे को जिसने कोई वॉयलेट किया है जिसपे कोई क्रिमिनल चार्ज है और उसको क्या करते हैं डिटेन करते हैं पर्सन इन बाई लीगल अथॉरिटी और उसको क्या उसने किया है कि उसका स्पेसिफिकली द प्रहेंशन ऑफ समॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ तो अरेस्ट दो तरह के होते हैं विधायक विद वारंट भी होते हैं और विदाउट वारंट भी होते हैं विद वारंट वारंट क्या होता है है एक रिट होती है, साइन जिसको जज ने वारंट इशू किए हैं कि आप किसी के जाके अरेस्ट कर लें या उसका सर्च वारंट कर लें या सीज वारंट उसको मिल जाता है है तो ये वारंट वारंट विदाउट क्या होता एक ऐसा अरेस्ट जिसमें वारंट नहीं है पब्लिक ऑफिसर के पास लेकिन वो स्टिल अरेस्ट कर सकता है ये नॉर्मली जो हमारे बहुत बड़े बड़े ऑफेंसेज जिनको हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेज कहते हैं विदाउट वारंट भी अरेस्ट हो जाता है अब अरेस्ट कैसे करते हैं अगर हम अपने क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड का आर्टिकल 46 -1 देखें इसमें 46 फोर्टी हमें कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी बंदे को हाथ से पकड़ के भी उसको अरेस्ट कर सकता है अगर वो बंदा खुद से उसके पास हथकड़ी ले गया तो वो आगे से अरेस्ट नहीं दे रहा अपनी गिरफ्तारी है वो नहीं दे रहा फोर्टी सिक्स कहते हैं कि अगर बंदा फोर्सिबली रजिस्ट करेगा तो पुलिस ऑफिसर क्या होगा कि वो हर मीन यूज कर सकता है उसको अरेस्ट करने के लिए अगर उसके पास वारंट है तो बंदा खुद दे रहा है तो अच्छी बात है अगर वो फोर्सेबली रजिस्ट कर रहा है तो फिर पुलिस ऑफिसर भी हर मीन यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल 50 कहता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसको बिल्कुल भी किसी किस्म का रिस्ट्रेन शेल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेंट देन इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज इस कि उसको उससे ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करनी बस इतना उसको पकड़ के रखना है कि वो वहां से भाग ना सके या इतना ही उसको अगर कोई बंदा है वो अपना अरेस्ट आराम से दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वहां पर इशू या एक पूरा सीन क्रिएट किया जाए फोर्टी कहता है कि एनी पुलिस दट द पसन टू बी अरेस्टेड हैज एंटर इज विद इन एनी प्लेस दर्सन रिजाइडिंग इन और बींग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस शेल ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज अड और सच पुलिस ऑफिसर अलाउ हिम फ्री इनग्रेस्ट देयर टू एंड अफोर्ड ऑल रिजनेबल फेसिलिटीज फॉर अच देयर इन तो सिंपली हम कहते हैं कि आर्टिकल फोर्टी सेवन हमें कहता है कि कोई ऐसा बंदा जिसके खिलाफ वारंट आ गए हैं वो अगर किसी ऐसी जगह पे चला गया छुपने के लिए किसी के घर या कहीं किसी भी जगह पे तो जो पुलिस ऑफिसर है जिसके पास वारंट है वो वहाँ जाके हर रिजनेबल फैसिलिटीज़ की सर्च वहाँ पे वो कर सकता है और उस बंदे को वहाँ से पकड़ भी सकता है अब यही उन्होंने कहा है कि इफ़ इन्ग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑप्टेंड अंडर सेक्शन फोर्टी सेवन क्या पुलिस ऑफिसर उस जगह पर अंदर जा रहा है उस बंदे को पकड़ने के लिए लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा तो ये फिर उस पुलिस ऑफ़िसर के लिए लॉफुल होगा कि वो पावर का कर यूज़ करें या कोई भी मीन यूज करें उस बंदे को पकड़ने के लिए जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर अ पुलिस ऑफिसर टू एंटर सच प्लेस एंड सर्च देयर इन एंड इन ऑर्डर टू इफेक्ट एन एंट्रेंस इन टू सच प्लेस टू ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस तो जहां पे पुलिस को सस्पेक्ट हो होकर वो बंदा वहां जाके छुप गया है और पुलिस को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है आराम से मतलब दरवाजा खोल के तो फिर पुलिस के पास ये इख्तियार होता है कि वो उस घर का कोई भी दरवाजा या खिड़की तोड़ के वहां पर अंदर जाएंगे और उस बंदे को अरेस्ट करेंगे तो ये आर्टिकल

okay <laughs> तो अब हम देखते हैं कि विदाउट वारंट कैसे अरेस्ट किया जाता है ये सारा तो उन लोगों के लिए था ना जिनके पास वारंट था पुलिस ऑफिसर्स के पास अगर कोई पुलिस ऑफिसर है उसके पास वारंट नहीं है तो एनी पर्सन और अगेंस्ट होम अ रीजनेबल कंप्लेट ऐसा बंदा का विदाउट वारंट भी अरेस्ट हो सकता है जिसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और पुलिस के पास रीजनेबल कंप्लेंट और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आ चुकी है तो फिर वो वारंट का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि फौरी उस बंदे को पकड़ेंगे

कह दिया कि इस बंदे को पकड़ो तो आप पुलिस उस, उस बंदे को विदाउट वारंट भी पकड़ सकती है इसी तरह एनी पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ अ फ्रॉम आर्म्ड फोर्स कोई बंदा जिसने आर्म फोर्स का जिसको डिजर्टर माना जाता है उसको भी विदाउट वारंट पकड़ा जा सकता है एनी पर्सन इन हुज पोजीशन एनी थिंग इज फाउंड विच मे बी रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु मे रीजनेबली सस्पेक्टेड हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग कोई ऐसा बंदा जिसके पास ऐसी चीज बरामद हो जाए जो किसी की स्टोलन प्रॉपर्टी हो और पता लग जाए कि इसने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसको भी विदाउट वारंट पकड़ सकते हैं इसके अलावा एनी पर्सन हु ऑबस्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हज ड्यूटी और हु हैज स्के और अटैम्प्ट टू स्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी कोई भी ऐसा बंदा जो पुलिस को उसका काम करने से रोक रहा है या उसकी ड्यूटी को एग्जीक्यूट नहीं करने से तो उस तो तो रिकॉल करते हैं कि उस को पकड़ा जा सकता है जिस, जिसने कोई बहुत ही ब्रूटल क्राइम किया और पुलिस के पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आ गई हो उस बंदे को भी विदाउट वारंट पकड़ा जा सकता है जिसके पास अनलॉफुल जिसने समझे कोई पोजिशन है अनलॉफुल पन की उसके अलावा उस बंदे को भी विदाउट वारंट पकड़ा जा सकता है जो ऑफेंडर है अंडर क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड और जिसको ये मान लिया गया है कि वो ऑफेंडर है और यहाँ गवर्नमेंट ने उसको कहा है कि आप इसको जाके पकड़ें उस बंदे को भी विदाउट वारंट पकड़ा जा सकता है जो एक डिजर्टर होगा फ्रॉम द आर्म्ड फोर्स उसके अलावा उस बंदे को भी विदाउट वारंट पकड़ा जा सकता है जिसके पास एक ऐसी पोजीशन बरामद हो जाए जो उसने किसी की चोरी की और उसको चोरी करते हुए उसने कोई क्राइम कमिट किया है उसके अलावा ऐसे बंदे को भी विदाउट वारंट पकड़ सकते हैं जो पुलिस को उसकी ड्यूटी करने नहीं दे रहा और दरम्यान में क्या कर रहा है इंटरफेयर कर रहा है और ऐसे बंदे को भी विदाउट वारंट पकड़ सकते हैं जो एक पुलिस से या किसी कस्टोडियल जो प्रिजन है वहाँ से भाग चुका है तो हमें यह भी पता चल गया कि अरेस्ट कैसे करते हैं सबसे पहले अगर आपके पास वारंट है आप बंदे के पास जाएंगे आर्टिकल फोर्टी सिक्स कहता है उसको कहेंगे आपके खिलाफ वारंट है आप अपनी गिरफ्तारी दें अगर वो गिरफ्तारी दे रहा है तो पुलिस उसको पकड़ लेगी अगर वो गिरफ्तारी नहीं दे रहा तो उसका हाथ पकड़ के उसको हथकड़ी लगा के ले जाएंगे लेकिन अगर वो बंदा हाथ पकड़ के हथकड़ी नहीं लगा रहा बल्कि फोर्सिबली रजिस्ट कर रहा है तो पुलिस भी फोर्सिवली उसको फिर उठा के लेके जा सकती है ये हमें आर्टिकल फोर्टी सिक्स टू कहता है आर्टिकल फिफ्टी हमें कहता है कि पुलिस जो है वो उस बंदे को अरेस्ट करते हुए उतना ही उस पर ज़ोर जबरदस्ती करेगी जितना उस इस इतनी ज़ोर जबरदस्ती कि वो वहां से भाग न सके उनकी कस्टडी से इसके अलावा पुलिस सीन क्रिएट नहीं कर सकती आर्टिकल 47 हमें कहता है कि अगर कोई बंदा है उसके पास वारंट उसके वारंट ऑफ अरेस्ट भी हैं लेकिन वो पुलिस से बचने के लिए किसी और के घर या किसी भी बिल्डिंग में चला गया है तो पुलिस भी उस बिल्डिंग में जाके उसको पकड़ सकती है आर्टिकल फोर्टी हमें कहता है कि अगर पुलिस उस बिल्डिंग में जा रही है लेकिन पुलिस को उस बिल्डिंग में अंदर जाने नहीं दिया जा रहा तो पुलिस के पास फिर ये इख्तियार है और वारंट भी उस बंदे की गिरफ्तारी क्योंकि पुलिस उस जगह का कोई दरवाजा खिड़की तोड़ के अंदर चली जाए और उस बंदे को पकड़ ले आर्टिकल फोर्टी एट ही हमें कहता है कि अगर वो जहां पे अंदर जा रही है वहां पर कोई औरत रहती है तो फिर पुलिस उसको नोटिफाई करेगी कि वो वहां से आराम से उसके पास लिबर्टी है औरत कि वो वहां से उस जगह को खाली कर दे ताकि पुलिस अपना काम कर सके आर्टिकल फोर्टी नाइन हमें कहता है कि अगर पुलिस जो है वो किसी बंदे को पकड़ते पकड़ते किसी जगह पर एंटर हो गई और फिर उस पुलिस को ही किसी बंदे ने वहां पर डिटेन कर दिया बंद कर दिया तो पुलिस के पास पूरा इख्तियार होता है कि वह फोर्स यूज करे दरवाजा खिड़की तोड़े या फोर्स यूज करते हुए अपने आप को रिहा कर ले और खुद बाहर आ जाए तो बेसिकली ये हमारे पास पूरा एक अरेस्ट का प्रोसीजर होता है तो आगे से अगर आपको कभी शक हो कि किसी बंदे के जो ह्यूमन राइट्स हैं या जो बेसिक उसकी प्राइवेसी है जो उसकी कंट्री या उसका कॉन्स्टिट्यूशन उसको ग्रांट करता है अगर उसको वायलेट किया जा रहा है तो आप इन्हीं आर्टिकल्स को इन्हीं क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वायलेशन हुई है या नहीं हुई और अब आपको ये भी पता चल गया कि विदाउट वारंट कैसे अरेस्ट होता है सो दिस वॉज ऑल For our techniques of investigation, stay tuned. Love.